नमस्कार, मैं कृष्णा सोनी मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर के भरवा टमाटर। पनीर के भरवा टमाटर बनाने के लिए यह मैंने एक प्याज लिया है जिसे बारीक काट लिया है, दो हरी मिर्च ली है जिसे बारीक काट लिया है, ये थोड़ा सा मैंने पनीर लिया है उसे कद्दूकस कर लिया है, ये मैंने टमाटर लिए हैं 5-6 इस तरह के कड़क कड़क टमाटर ले लीजिए जिन्हें धोकर साफ कर लिया है। ये हमारा धनिया पाउडर है, ये हींग है, ये जीरा है, ये लाल मिर्च पाउडर है, ये मैंने अदरक कूट कर अदरक लिए है, ये राई है, ये हल्दी पाउडर है, नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे, ये धनिया है जिसे मैंने बारीक काट लिया है, ये आधी चम्मच गरम मसाला है, ये हमारा तेल है हमारे टमाटर फ्राई करने के लिए, वह मसाला फ्राई करने के लिए। ये मैंने गैस ऑन कर दी है, अब मैं फैन में 2 छोटी चम्मच तेल डाल दूँगी। ये मैंने 2 छोटी चम्मच तेल डाल दिए हैं, अब इसे थोड़ा गर्म कर लूँगी। यह हमारा तेल गर्म हो चुका है तो आधी चम्मच में इसमें जीरा डाल दूंगी, आधी चम्मच में इसके अंदर राई डाल दूंगी और ये हमने जो हींग लिया है वो हींग डाल दूंगी 1 पिंच। थोड़ी सी मैं इसके अंदर हल्दी डाल दूंगी, जैसे आधी चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी डाल दी। गैस मैंने सिम कर रखी है, अब मैं इसके अंदर प्याज डाल दूंगी और ये हरी मिर्च डाल दूंगी और इन्हें अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक पका लूँगी। गैस मैंने मीडियम करती है, मैं इसे मीडियम गैस पर पकाऊंगी। अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर दूंगी, तो लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी, आधी चम्मच मैंने यह लाल मिर्च पाउडर डाल दी, आधी चम्मच मैंने यह धनिया पाउडर डाल दिया, नमक मैंने यह स्वाद अनुसार डाला है, तो आधी चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मैंने यह नमक डाल दिया और ये अदरक का पेस्ट डाल दिया। इन सबको अच्छे से मिलाकर पका लूँ। ये देखिए हमारे प्याज जो है, मिर्ची एकदम तैयार हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें पनीर डाल दूँगी। थोड़ा सा पनीर हम रख लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। जैसे एकदम सिम है, अब मैं इसमें गरम मसाला डाल दूंगी आधी चम्मच और इसे अच्छे से मिला दूंगी। ये देखिए, अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूंगी और गैस बंद कर दूंगी। गैस बंद कर दीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए। जब तक ये ठंडा होता है हम हमारे टमाटर तैयार कर लेते हैं। एक टमाटर लीजिए और इसे बीच में से इस तरह करते जाइए। और इस तरह से निकाल लीजिए, इसे निकाल कर एक तरफ रख दीजिए और इसमें से चाकू की सहायता से पूरा गुदा निकाल लीजिए। इस तरह घुमा घुमा कर निकाल लीजिए। ये देखिए मैंने इतना गूदा निकाल लिया है इसका और ये अंदर से खोखला हो गया। अब मैं इसे रख दूंगी, इसमें हमें मसाले भरने हैं, तो इसी तरह मैं दूसरे का भी कर दूंगी। इस तरह काट कर निकाल लूंगी इसे और इसका गूदा निकाल लूंगी। इस तरह आराम से चाकू घुमाकर निकाल लीजिए इस तरह, और चाकू थोड़ा थोड़ा चाकू घुमाकर इसका सारा गूदा निकाल लीजिए। ये देखिए मैंने सारे टमाटर से गूदा निकाल कर तैयार कर लिया है। ये देखिए हमने सारे टमाटर से गूदा निकाल लिया है, तो अब मैं इसमें जो हमने पनीर का ये मसाला तैयार किया था वो भर लूँगी, तो ये भरकर तैयार कर लेंगे। इस तरह भर लीजिए अच्छे से दबा दबा कर।
इस तरह दबा दबा कर भर लीजिए। और जो हमने ढक्कन उठाया था टमाटर पे से, वो ढक्कन इस पे वापस लगा दीजिए। इस तरह लगा दीजिए, थोड़ा अंदर दबा दीजिए, इस तरह लगा दीजिए। इसी तरह हम सारे टमाटर भरकर ढक्कन लगाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह ये देखिए, इस तरह अब मैं इसके ढक्कन लगा दूंगी। इस तरह ढक्कन लगा दीजिए और ढक्कन को थोड़ा दबा दीजिए ताकि ये अंदर चला जाए। ये देखिए, हमने हमारे सारे टमाटर भरकर तैयार कर लिए हैं। जो हमारा बचा हुआ मसाला है वो हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसमें तेल गरम करके टमाटर छोंक दें। अब मैं इसमें गैस ऑन कर दूंगी। एक चम्मच हम इसमें तेल डाल देंगे और तेल को थोड़ा गरम कर लेंगे। हमने टमाटर से गूदा निकाला था, हम उसे भी यूज में ले लेंगे। तो इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी। मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी। अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो डालिए, वरना मत डालिए। थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दूंगी और थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। तो हमारा तेल इधर गर्म हो चुका है, इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ और गैस एकदम सिम कर देती हूँ ताकि तेल थोड़ा ठंडा हो जाए। गैस मैंने बंद कर दी है, थोड़ा तेल को ठंडा होने दीजिए। अब मैं इसमें थोड़ी सी राई डाल दूँगी। और जो ये हमारा टमाटर का गूदा है उसे अच्छे से मिलाकर मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और इसे अच्छे से चला लेंगे। गैस ऑन कर देंगे और मीडियम गैस पर इसे थोड़ा पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। ये देखिए, हमारा मसाला थोड़ा पक चुका है। तो मैं इसके अंदर टमाटर रख दूंगी। इस तरह टमाटर रख दीजिए, गैस एकदम मीडियम रखिए और इसे मीडियम गैस पर हमारे टमाटर को पकने दीजिए। इसे ढक दीजिए ताकि ये अच्छे से भाप में पक जाए। ये देखिए, मैंने गैस मीडियम रखी है। अब हम हमारे टमाटर चेक कर लेंगे। हमें इन्हें थोड़ा और पकाना है तो हम इसे इस तरह पलट देंगे। आप इसे दोनों तरफ से आराम से पका लीजिए। ये देखिए, दोनों तरफ से अच्छे से पक चुके हैं हमारे टमाटर। ये देखिए, ये फट चुके हैं। तो अब मैं इनमें जो हमारा मसाला बचा था वो डाल दूँगा। इसे पलट लीजिए। और इनमें जो हमारा मसाला बचा था वो डालकर मिला लीजिए। और अब गैस बंद कर दीजिए। ये हमारे टमाटर एकदम बनकर तैयार हो गए। मैंने गैस बंद कर दी है, अब मैं इन्हें सर्व कर दूँगी। ये देखिए, हमारे पनीर के टमाटर बनकर एकदम तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल महेंद्र सोनी को सब्सक्राइब व लाइक कीजिए। अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।